प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई जाती थी जहाँ जैसे कि डॉक्टर शेरी मजारी साहिबा थी, फवाद चौधरी साहब थे, अली जैदी साहब थे, इमरान इस्माइल साहब थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को 3-4 लाइनों की होती थी। जो लोग थे, जो पीटीआई के लीडर्स थे, वो ऊपर देखते नहीं थे, 3 लाइनें सर नीचे करके पढ़ के कई रो भी गए उसमें। तो उसमें जो जो तासुर पैदा करना था वो तासुर पैदा नहीं हुआ। फिर एक थोड़ी सी ब्रेक ली गई और इसको री एवेल्यूएट किया गया कि इसको कैसे हम ज्यादा बिलीवेबल करें, कि यकीन आए लोगों को जी कि ये दिल से पाक पीटीआई छोड़ रहे हैं। फिर आपने देखा कि जो बाकी थे वो फिर भी किसी सिस्टम में थे। सिस्टम के मेरा मुराद ये है कि जब आप जेल सिस्टम में जाते हैं, जेल सिस्टम एक और किस्म का सिस्टम होता है। उसमें एटलीस्ट थोड़ी सी चीजें आपको आप एक एक अपील में जा सकते हैं, जी बेल की तरफ जा सकते हैं, आपके कुछ ना कुछ कायदे कानून है एक जेल सिस्टम के अंदर। लेकिन जब आप अगवा होते हैं और आपको नहीं पता होता, या फैमिली को नहीं पता होता, जैसे कि रिसेंटली हमने देखा था फरक हबीब साहब के साथ, उस्मान दार के साथ, मुराद सिंह उनके की साथ देखा था, फैमिली, बहुत सारी तो फैमिलीज हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका हुआ है। जी सदाकत अली अब्बासी साहब के, सदाकत अब्बासी साहब के साथ, बहुत से लोगों के साथ, बहुत से हमारे वर्कर्स लीडर्स उनके साथ, जब आप अगवा होते हैं और आपको नहीं पता होता आप किसी सेफ हाउस में या किसी और जगह पे हो, तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखें, हम कोई खुदा ना खास्ता मिलिटेंट पार्टी तो है नहीं, जी ना कोई यहाँ कोई किसी की उस किस्म की ट्रेनिंग है कि वो बर्दाश्त कर सकें 1 हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ते, जो भी हालात वहां पैदा किए जाते हैं। तो ये एक नया सिस्टम आया कि उनको उस प्रेशर के अंदर डालो, वो प्रेशर के बाद फिर उनको साफ कपड़े दो, बाल शाल कटा दो, शेव करा के एक शो पे डाल दो, या अभी फरक हबीब साहब का एक एक पार्टी को ज्वाइन करें। क्योंकि जब शो भी हो रहा था तो उसका भी कोई फायदा नहीं था कि उस्मानदार आके कह दे कि जी खान साहब बहुत बड़े हैं, मुझे तो पिछले 16 महीनों से नहीं पता था कि जी उन्होंने हमें मई 9 का बताया था, 9 मई का बताया था, मुझे अभी ख्याल आया जब मैं सेफ हाउस में 10 दिन सोचा था तो फिर मुझे एहसास हुआ कि इमरान खान इसके पीछे। तो वो भी उसका कोई नतीजा नहीं था, सही मतलब उसके बाद उस्मान दार ने खाली कह दिया था कि मैं सियासत छोड़ रहा हूं। तो फिर एक आई थिंक वो भी उस पर बैकलैश बहुत आई सोशल मीडिया से, लोगों के अंदर, लोगों को बिलीवेबल नहीं था। तो आई फील के इस वक्त जो फरक हबीब साहब के साथ किया गया था वो इसलिए हो कि उस्मान दार से सीखते हुए, सदाकत अब्बासी से सीखते हुए इस तरफ आ जाएं जहां आप कोई नतायज भी दें। ठीक तो फरक हबीब साहब 2 हफ्ते से गुम थे, किसी को नहीं पता था वो कहाँ थे, मतलब मेरे साथ वो इन टच भी थे तो मुझे पता है उनके क्या हालात थे, मैं उनके पास उनके मैसेजेस भी हैं कि वो किस प्रेशर में थे, निकलना चाह रहे थे पाकिस्तान से, फिर पकड़े गए पाकिस्तान से निकलने की कोशिश करते हुए ग्वादर, मतलब एग्जैक्टली ईरान जब जाने इतनी की कोशिश इतनी कर रहे इतनी थे। बड़ी रिस्क ले रहे थे अपने आप के वो पकड़े जाएं। लेकिन वो इस ख्याल से नहीं था कि इमरान खान ने मुझे मई 9 का बताया था तो मैं एटलीस्ट लोगों को तो बता दूं कि यार ये खान साहब ने बताया था हमें। लेकिन जब वो पकड़े गए 2 हफ्ते से, उनकी उनकी जो एहलियां हैं वो उनको बता रही हैं, वो ट्वीट कर रही हैं कि जी हम इनसे नहीं पता कहाँ है, फिर यूएन को लिख रही हैं, चीफ जस्टिस को लिख रही हैं, हम सब ट्वीट उनके लिए कर रहे हैं। फिर वो आए और उनको फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या ये की गई। लेकिन इसमें जो फर्क ये था कि उनसे ये की गई कि इसका नतीजा ये हो कि आप सियासत नहीं छोड़ रहे, आप क्योंकि वो हैं अगेन एक पार्टी को आके ज्वाइन एक कर रहे पॉलिटिकल हैं। वर्कर हैं, तो एक यस और पार्टी तो उसको आगे लेके चलें। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी कामयाब नहीं था। कोई भी इस पे, आप सोशल मीडिया कोई भी उठा के देख लें, कोई इस पे यकीन नहीं करता।